जितने भी लड़की है ये वीडियो देख रही है, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको रियलाइज करा दूंगी कि आपने जो ब्रा पहनी है ना उसका साइज गलत है। सिर्फ 1% लड़कियां ही ऐसी होगी जिन्होंने सही साइज की ब्रा पहनी होगी, बाकी मोस्टली 99% व्यूअर्स होंगे उन्होंने गलत ब्रा पहनी होगी। अगर आपने मेरी पहले की ब्रा हैक वीडियोस नहीं देखी और उनको फॉलो नहीं किया तो चैलेंज दिया है मैंने आपको, तो वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा एंड तक और बताना कितने जीते, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और अपने सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो ब्रा से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और अगर आप मुझे बता देती हो कि कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा या आपका ब्रा का साइज सही था या गलत, तो आपका नाम मैं फ्लैश कर दूंगी वीडियो के एंड में आपके प्रोफाइल के साथ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी ब्रा का साइज गलत है ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक रूम में आ जाइए जहां पे आपके अलावा कोई ना हो, आपने ब्रा पहन रखा हो और जो जो चीजें मैं बोलूंगी उसको मैच करके देखो कि आपका ब्रा वैसा बिहेव कर रहा है तो वो गलत ब्रा है। जैसे कि अगर आपका ब्रा का जो स्ट्रैप है वो आपके मसल्स के अंदर डिग इन हो रहा है, अंदर धस रहा है, दब रहा है, यहाँ पे निशान पड़ रहे हैं लाल रंग के, तो आपकी ब्रा का साइज गलत है। आपका ब्रा का प्रेशर स्ट्रैप्स के ऊपर नहीं आना चाहिए और स्किन दबरी नहीं चाहिए, ये आप चेक कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको साइड हो जाना है और अपने हाथों को ऊपर उठाना है। अब चेक कीजिए आपका जो यहाँ से ब्रा है ना वो एकदम आपकी बॉडी के पैरेलल ऐसे जा रहा है या फिर पीछे से ऐसे उठा हुआ है। अगर ये पीछे से ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो आपका ब्रा का साइज तो बुरी तरीके से गलत है। अब अपनी ब्रा के पीछे दो उंगली डाल करके देखिए और इसको ऐसे स्ट्रेच कीजिए। अगर जरा सा स्ट्रेच होता है तो इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, पीछे दो उंगली से ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, मतलब आपका ब्रा का साइज रॉन्ग है। अब मिरर के सामने सीधे खड़े हो जाइए और देखिए क्या आपके ब्रेस्ट आपकी ब्रा से बाहर निकल रहे हैं दब करके इस तरीके से। अगर आपके ब्रेस्ट टिश्यूज ब्रा के बाहर निकल रहे हैं तो अगेन आपके ब्रा का साइज रॉन्ग है। अगर आपकी स्ट्रैप बार बार नीचे गिर जाती है, लूज है, आपकी ब्रा का साइज रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि ब्रा का साइज गलत है, ये हमने तो पकड़ लिया, अब ब्रा का साइज सही कैसे आप पहचान पाओगे उसकी बात करते हैं। तो आप ब्रा का साइज तभी ले पाओगे जब आपको मेजरमेंट पता होगा। तो अगेन तो चलिए ब्रा का साइज मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये इंची टेप या मेजरिंग टेप जिसे कहते हैं, ये होना चाहिए आपकी ब्रा का साइज मेजर करने के लिए। परफेक्ट ब्रा का साइज मेजर करने के लिए आपको कोई कपड़े नहीं पहनने होते हैं, आप अपने टॉप्स ब्रा सब हटा दीजिए, आपको नेकेड होना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी ब्रा का साइज मेजर करेंगे। तो मिरर के सामने आप आ जाइए एंड देन आप यहां से लीजिए मेजरिंग टेप और उसको अपने आपके ब्रेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बैंड साइज कहते हैं। सो पहले बैंड साइज को मेजर करेंगे कुछ इस तरीके से। बैंड साइज को मेजर करने के बाद सपोज मेरा बैंड साइज आया है 33, तो मैं इसको 34 मानूंगी क्योंकि हर ब्रा हमेशा इवन नंबर में आता है, जैसे 34, 36, 38, 40, तो ब्रा का साइज हमेशा इवन नंबर में आएगा। ऑड नंबर में होगा तो आप उसको आगे या पीछे करके मेजर कर सकते हैं। सो मैं आगे कर लेती हूँ। सो मेरी ब्रा 33 आई है तो मैं उसको 34 मानूंगी, तो मेरी ब्रा का साइज होगा 34, ठीक है। लेकिन जो ब्रा का साइज है सेम आपके कप का साइज नहीं होगा, हर लड़की के कप का साइज अलग अलग होता है। तो अब आप कप को मेजर करेंगे तो आपका जो आपको कप मेजर करने के लिए थोड़ा सा आप नीचे की तरफ बेंड हो जाइए, झुक जाइए, तो आपके सारे जो ब्रेस्ट टिश्यूज होंगे ना वो एक तरफ आके नीचे ग्रेविटी उसको पुल करेगी, ठीक है। अब आप मेजरिंग टेप से उसको मेजर कीजिए फुलेस्ट पार्ट पे। अब मेजर करेंगे तो देखिए क्या नंबर आता है, मेरा नंबर आता है 38। तो अब जो मेरा बैंड साइज था 34 और अब जो मेरा कप साइज आया है 38, इसको मैं माइनस कर दूंगी तो कितना नंबर बचा, 4। सो 4 नंबर का मतलब हुआ A, B, C, D. So, मेरा ब्रा का साइज होगा 34, जो कि मेरा बैंड साइज था 34D. अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए मैंने क्या समझाया है। बैंड साइज और कप साइज का पता होगा तभी आप परफेक्ट ब्रा अपने लिए ले पाओगे। तो मेरी ब्रा का साइज है यहाँ पे 34D. सो इस तरीके से आप अपनी ब्रा का साइज मेजर कर सकते हैं। बट गाइज, आपका जो ब्रा साइज होता है वो हर ब्रांड में सेम नहीं होता है, कभी कभी दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनका ब्रा का साइज और आपका साइज अलग है। मैं 34D लेने जाऊं पर उनका 34D बड़ा या छोटा हो सकता है, तो हमेशा ब्रा खरीदने से पहले मेजर जरूर कीजिए। जब भी हम ब्रा लेने जाते हैं तो उसमें इस तरीके के 3 हुक्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रा को धोने के बाद धीरे धीरे पहनते पहनते इसकी इलास्टिसिटी लूज होने लग जाती है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ब्रा पहनो, जब ये नया नया होता है तो ये फर्स्ट ऑफ फिट है, जैसे जैसे ये अपनी इलास्टिसिटी खोने लग जाए, ढीली होने लग जाए,
ब्रा ढीली होगी और आप इसको सेकंड में कर दो, और ढीली होगी तो आप थर्ड वाला हुक यूज कर दो। मतलब जितना आप हुक आगे बढ़ोगे उतना ब्रा फिर आपका जो लूज हुआ था वो टाइट होगा पहनोगे जब। तो इसीलिए जब परचेज करो तो फर्स्ट हुक में मेजर करो ब्रा, और जब आप धीरे धीरे ब्रा अपनी इलास्टिसिटी खोने लग जाए तो लास्ट वाले हुक में हुक डाल करके आप अपनी ब्रा को टाइट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे 3 हुक्स दिया हुआ होता है। ब्रा को रोज रोज बार बार नहीं धोना चाहिए, स्पेशली वो वाली ब्रा जो थोड़ी डेलिकेट या एक्सपेंसिव होती है उनको आपको रोज धोने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे बाल होते हैं, क्या हम बाल रोज धोते हैं? अगर लंबे आपके बाल हैं मेरे जैसे, मैं हफ्ते में 2 बार धोती हूँ, जब मुझे लगता है गंदे हो गए मैं धो डालती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रा गंदी होगी, उसमें पसीने आ गए हैं, डर्ट आ गया, आप धो दीजिए, लेकिन डेली आपको ब्रा धोने की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस बहुत पसीने में भीग ना चुकी हो आपकी ब्रा, क्योंकि बार बार धोने से उस इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि गंदे ब्रा आपको डेली पहनना है, पर अगर आपको लगे कि पसीने उतने नहीं आए हैं, ब्रा साफ ही है, घर में ही पहना, तो नेक्स्ट डे नहीं भी धोगे तो भी चलेगा, तो 1 दिन का गैप आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि ब्रा तो आपकी फिट है, आपने सही ब्रा चूज भी कर ली है, क्या वो ब्रा पहन करके आपको हैवी एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा, जिम, जिमनास्ट सब करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए अलग स्पेशलाइज्ड ब्रा होती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आप स्पोर्ट्स ब्रा पहने, कुछ इस तरीके की स्पोर्ट्स ब्रा आती है, ये पहनने से आपके ब्रेस्ट को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम आपको ना हो, या ब्रेस्ट में पेन ना हो, और आपकी ब्रेस्ट का शेप भी मेंटेन रहे। जब आप अंडरवायर ब्रा पहने उसका नाप ले तो एक बात ध्यान दें, जब इस तरीके की ब्राज आप पहनते हो, स्पेशली अंडरवायर वाली, सो इस अंडरवायर के अंदर आपके पूरे ब्रेस्ट अंदर आ जाने चाहिए, और यहाँ पे जो हिस्सा है ये फ्लैट होना चाहिए आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आपने इसको पहना है तो ये फ्लैट स्किन टू स्किन टच होगा, और इसके अंदर, इस दोनों के अंदर आपके पूरे ब्रेस्ट अंदर कवर अप हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे एक मिथ भी आपका तोड़ती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई स्टडी रिसर्च नहीं है जो ये क्लेम करे कि अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाता है, लेकिन आप अंडरवायर ब्रा डेली मत पहनो, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वायर इट्स नॉट कम्फर्टेबल, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा आपके ब्रेस्ट के लिए, आपके स्किन के लिए। तो इसको स्पेशल ड्रेस के साथ स्पेशल ओकेशंस पे आप पहन सकते हो, बट डेली वेयर के लिए ऑलवेज ऑप्ट फॉर कॉटन नॉर्मल ब्रास। अब बात करते हैं कौन सी एज पे ब्रा पहनना स्टार्ट करना चाहिए। जब आप टीनेजर्स होते हो, बेसिकली 12-13 साल के जब आप होते हो, आपके ब्रेस्ट डेवलप करने लग जाते हैं, और ऐसे में आपके साइज का तो परफेक्ट ब्रा भी इजीली नहीं मिलता है, तो आप या तो स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरीके की स्पेगडी पहन सकते हैं। ये जो स्पेगडी है पूरी बॉडी हगिंग स्ट्रेचेबल होती है, प्लस यहाँ पे पैड भी दिया हुआ है। अगर आप ब्रा नहीं पहन रहे हो और आप कूल गोइंग गर्ल्स जब शॉर्ट्स वगैरह पहनती हैं, सो उनके ना निप्पल्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड सिचुएशन कई बार हो जाती है ऐसी, पर मेरे साथ हुआ था, सो आई फेल्ट सो एम्बैरस्ड एट दैट टाइम। सो उसको अवॉइड करने के लिए आप या तो पैडेड ब्रा पहन सकते हैं, बट अगर आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं है तो पैडेड ब्रा पहन के क्या करोगे, पैडेड ब्रा का साइज आपको उतना मिलेगा नहीं। सो आप ऐसे में इस तरीके की स्पेगडी ऑप्ट कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे पैड लगा हुआ है, तो इससे आपको अच्छा खासा सपोर्ट के साथ साथ आपको जो निपल्स रिवील हो रहे होते हैं वो नहीं होगा, प्लस अगर आपको मन नहीं है ये पैड लेने का, तो आप यहाँ से आप इस होल से पैड निकाल भी सकते हो, ये पैड पूरा निकल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि जब आप ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ओके, एंड आपको ऐसी ड्रेस पहनी है जहां आपके निप्पल्स शो ना हो बट आपको कंफर्ट और फुल सपोर्ट मिले, तो आप फुल कवरेज ब्रा पहन सकती हैं, टी शर्ट्स ब्रा पहन सकती हैं, और पैडेड वाला पहन सकती हैं, बट ऐसा पैडेड वाला पहना जिसके अंदर कोई अंडरवेयर नहीं है, जैसे इसमें कोई अंडरवेयर नहीं है बट ये पैडेड ब्रा है, और काफ़ी अच्छा फुल कवरेज ऐसी ब्रास देती हैं। तो इस तरीके की ब्रास ऑप्ट करोगे तो डेली वेयर के लिए बहुत कंफर्टेबल कन्वीनियंट रहता है। कुछ लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं होती हैं पीछे से हुक करके ब्रा पहनने के लिए, तो ऐसे मैंने एक हैक शेयर किया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि आप पहले ब्रा को आगे से हुक कर लो, फिर उसको ऐसे ट्विस्ट करो, एंड देन आप इसके स्ट्रैप्स पहन लो, तो इस तरीके से आप ब्रा को पहन सकते हो। और मैं आज भी ब्रा इसी तरीके से ही पहनती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट कम्फर्टेबल कि मैं पीछे वाले हाथ से हुक करके पहनी हूँ। तो ऐसी बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो ये वाला हैक करती होंगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत सी लड़कियाँ जो ये वाला हैक भी नहीं करना चाहती, उनको फ्रंट से ही अपनी ब्रा ओपन करनी है,
सो इस तरीके की ब्रास होती है जो फ्रंट से ओपन हो जाती है, आपको पीछे से ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो पीछे ओपन करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आप बैकलेस ड्रेसेस के साथ भी इसको पहन सकते हो, आपको ये फ्रंट से ही ओपन होगा। आपने कोई सैंडो पहन रखा है और उसमें से साइड में ब्रा ऐसे नजर आते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरीके की आप ब्रा ले सकते हो जो आप यहाँ से हुक निकाल सकते हो। तो इसका हुक आपको पीछे से निकालना है, मैं हैक दिखा रही हूँ आपको। ये फ्रंट वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है। अब पीछे वाले पोर्शन से मैं क्या करूंगी, ये वाला हुक निकाल लूंगी यहाँ से, एंड सेम मैं हुक निकाल लूंगी एक यहाँ से। ये दो हुक मैंने निकाल लिया है और ये इस तरीके से यहाँ फंसा देंगे। ये देखिए, अब देखिए आपकी ब्रा हॉल्टर नेक वाली बन गई है। अब आप इसको ऐसे करके भी पहन सकते हैं। सो अब ये ब्रा देखो मेरे नेक में आ गई है, ठीक है, और अब मैं इसको इसे पीछे से टाई करके पहन सकती हूँ। तो सारा स्ट्रैप आपके नेक पे आ जाएगा, पीछे से कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कितनी लड़कियों के पास गलत साइज की ब्रा थी और किसको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर ऑलरेडी आपको पता था ब्रा का साइज कैसे मेजर करना है तो वेरी गुड, आप उन 1% इंटेलिजेंट लड़कियों में से हो। और बाकियों को भी अपने जैसा स्मार्ट बनाओ, इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ। रेखा भी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, लाइफ अपडेट के लिए देख सकते हो, और मिस्टर इंसिस्टेंस मेरा ब्लॉग चैनल है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू कॉमेंट। अब मैं फ्लैश कर रही हूँ आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स। आई कैच यू अगेन, बाय गाइस।